सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी ई श्रम कार्ड की जो सेकंड किस्त है, इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसके बारे में रहेगी। किन लोगों को ये रुपए सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहली जो किस्त है वो किन किन को मिल चुकी है, और ई श्रम कार्ड का किस किस को क्या क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों के कल्याण के लिए जो ई श्रम पोर्टल है, इसके नाम से एक पोर्टल शुरू किया है। ई श्रम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसको करने वाले उम्मीदवारों को एक विशेष पहचान संख्या, जिसे कि UAN कार्ड कहते हैं, ठीक है, ये UAN कार्ड इनको दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, CSC NDUW ई श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए UP, बिहार, MP और कर्नाटक के माध्यम से उम्मीदवारों को भविष्य में नौकरी भी मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। सरकार ने ई श्रम पोर्टल के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों के अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की इस स्कीम के पहले चरण में 1.5 करोड़ श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपए भेजे गए थे। तो अगर आप लोगों का ई श्रम ये कार्ड बन चुका है फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने अकाउंट को चेक कीजिएगा, हो सकता है आपके अकाउंट में भी 1,000 रुपए भेजे गए हो। और अब जल्द ही इस योजना की दूसरी किस्त आने वाली है, तो जिन्होंने यहाँ पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ई श्रम कार्ड आपका नहीं बना है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसे बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे आपको फ्यूचर में, भविष्य में मिलने वाले हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार योजना के दूसरे चरण में यूपी सरकार 2.31 करोड़ और लोगों के अकाउंट में 1,000 रुपए जल्द ही भेज सकती है। हालांकि इस बीच आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं या नहीं, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन UPI या फिर बैंक के माध्यम से कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस योजना के तहत 1,000 रुपए की पहली जो किस्त है वो इस रजिस्टर्ड अकाउंट के होल्डर के पास भेजे जा रहे हैं, और दूसरी किस्त अब आने वाली है। अगर आप लोगों ने कार्ड को नहीं बनवाया है तो आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, और इस वीडियो में भी हम इसके मेन पॉइंट्स, जो मुख्य बातें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड क्या है और इस ई श्रम कार्ड के क्या लाभ होने वाले हैं, क्या आपको फ्यूचर में इससे फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों की जानकारी एकत्र करना, उनका डाटाबेस इकट्ठा करना, और सभी मजदूरों के डेटाबेस को एक स्थान पर ही इकट्ठा करके इस पोर्टल के अंतर्गत आने वाले श्रमिक, जैसे कि निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, प्लेटफॉर्म कलाकार, रेहड़ी पटरी वाले, या घरेलू कामगार, या फिर कृषि कामगार, या किसी अन्य संगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, ऐसे कामगार, ऐसे लोग जिन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, देश भर में क्या योजना आई और क्या गई, इस ई श्रम कार्ड के जरिए वे लोग जान सकते हैं। उनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और इस ई श्रम कार्ड के जरिए किसी भी मजदूर को सीधे डायरेक्ट सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, और सरकार भी इसके लिए अलग अलग कदम उठाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 16 साल से लेकर के 59 साल के बीच तक की है, तो आप लोग इस ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी कंडीशंस है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, और इसके अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिएगा रजिस्ट्रेशन करते समय, वो सब हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले जो मेंबर्स हैं, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, यही जानकारी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग स्टूडेंट है, बेरोजगार है, या फिर किसी सरकारी योजना का आपको लाभ नहीं मिल रहा है और आपके पास स्किल भी है, तो अपनी स्किल्स का फायदा उठाइए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके सरकारी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, और
चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।